वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट फ्राइडेज विद मी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड क्ले विद अनदर मेथड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे लेंगे हाफ टी स्पून ऑफ विनेगर। अब हम लोग लेंगे हाफ टी स्पून ऑफ ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, हम लोग इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। सो गाइज, मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ टी स्पून ऑफ एक्रीलिक कलर, व्हाइट एक्रीलिक कलर। आप चाहे तो कितना भी एक्रीलिक कलर ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 1 टी स्पून ले रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हो। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्रीलिक कलर। सो गाइज, हम लेंगे यहाँ पे 1/4 कप ऑफ अरारोट। आप कॉर्नफ्लोर या मैदा भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अरारोट ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। 1/4 कप मतलब आप 4 टेबल स्पून ऑफ अरारोट लेनी है। अगर आप एक क्ले ज्यादा बनाना चाहते हैं, ये ज्यादा नहीं बनेगी। अगर आप ये क्ले ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप इसका डबल या फिर ट्रिपल मेजरमेंट भी ले सकते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे लूंगी एक स्पून मिक्स करने के लिए। इसको हम लोग एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप व्हाइट एक्रिलिक कलर नहीं डालते हो, तो ये क्ले का कलर क्रीम में बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो, तो आप अपनी क्ले के सूखने के बाद भी आप कर सकते हो कलर उसको, या फिर आप उसी स्टेन में मिला सकते हो कलर, आपको जो भी कलर मिलाना। जब मैंने मिलाया, सो गाइज, आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तब हम लोग डालेंगे इसमें हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। सो गाइज, हम लोग इसमें ऐड करेंगे फेविकोल। सो इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, हमारा क्ले जिस हिसाब से बनेगा हम लोग उसी हिसाब से डालेंगे फेविकोल। तो पहले मैं डाल लूंगी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालूंगी। तो हम लोग इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब जब हमने इसमें फर्स्ट टाइम फेविकोल ऐड किया, तो अब हम लोग अपनी स्पून को साइड में रख देंगे और हैंड से यूज करेंगे अच्छे से नीडिंग करने के लिए। तो हम लोग इसको अच्छे से नीड कर लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने जितना फेविकोल डाला था उसको मैंने अच्छे से नीड कर लिया एकदम। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें फेविकोल डालूंगी। अब हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हम लोग अगर एक साथ डाल देंगे, अगर वो चिपचिपा बनेगा, तो हमको इसमें और अरारोट मिलानी पड़ेगी, तो और विनेगर और ऑयल मिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा करके मिला रही हूँ हिसाब से। इसको हमको एकदम अच्छे से मसलना है, ताकि कोई बड़े बड़े बॉल्स रह जाएं तो वो भी मसल जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अच्छे से नीट करके पूरे फेविकोल मिला के मेरा क्ले रेडी है। सो गाइस, एज यू कैन सी, ये कोल्ड पोलेटर नाम का एक क्ले होता है, ये वैसा बन गया है। ग्लू की वजह से ये और ज्यादा स्ट्रेची बन जाता है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा अपने लिए। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेची होता है, जब आप इसमें ग्लू ऐड करते हो तो ये स्ट्रेची बन जाता है। जो मेरी क्ले की ओल्ड रेसिपी थी, मतलब जो मैंने इसके पहले जो क्ले की रेसिपी डाली है, अगर आप उसमें भी ग्लू डालोगे तो आपका काम बन जाएगा। पर अगर आपको अपना क्ले को थोड़ा सा चुपचुपा नहीं बनाना, तो आपको ऑयल ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको अपने क्ले को स्टोर करना है, तो आपको विनेगर डालना जरूरी है, वरना इसमें फंगस लग सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर डाला था। ये बहुत अच्छा क्ले बनता है। आई होप दैट यू लाइक टूडेज वीडियो। मैं आपके साथ ऐसे और भी वीडियोस शेयर करूंगी। फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।